नमस्कार, मैं मरोज सरन ट्रैवल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा चौक और आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। पूरे देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पाहनों के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है, झंडा गड़ी की गई और सबसे पहले बिरसा मुंडा को नहलाया गया, जलाभिषेक किया गया, फूलमाला पहनाए गए, दीप जलाए गए और तमाम जो रूढ़िवादी परंपरा है उसके अनुसार पाहनों के द्वारा पूजा अर्चना की गई और उन्हें आज नमन किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित की गई और आज पूरा देश अपनी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहा है। उनकी गौरव गाथा, उनकी जो गुलगुलान थी, जो संघर्ष थी, जिस तरह से उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, बिगुल फूका, बगावत की अंग्रेजों के खिलाफ, आज पूरा देश अपने धरती आबा की 150वीं जयंती के अवसर पर उन्हें नमन कर रहा है और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए संकल्प ले रहे हैं। जुड़े रहे ट्राइबल इंडिया टीवी में, क्या कुछ हो रहा है यहाँ की गतिविधियाँ को हम आपको हूबहू दिखाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बिरसा चौक पहुंचे और वो अभी फूल माला अर्पित कर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सर, दो सर, ट्राइबल इंडिया टीवी सर, आज 150वां भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है और आप सबको मालूम है कि झारखंड वीरों की धरती है। आज इस वीर पुरुष के शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों के आदिवासी समूह को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हैं और यह आज से जो 15 नवंबर 2024 जब 150वीं जयंती मना रहे हैं, अब पूरा वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष बन रहा है। इस बार सिर्फ एक दिन जनजातीय गौरव दिवस बन रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अब पूरा एक साल जनजातीय आदिवासी भाइयों को समर्पित होगा। भगवान बिरसा जी मुंडा का बलिदान और उनकी प्रेरणा 140 करोड़ देशवासियों तक पहुँचे। पूरा देश एक वर्ष तक देश के आदिवासियों को कैसे जीवन स्तर ऊंचा उठे और पूरे एक साल भगवान बिरसा मुंडा की का जो गुलाम था वो पूरे देश तक आए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। आज देशवासी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि देश में पहली बार कोई आदिवासी महिला, एक सुदूर गांव में रहने वाली शिक्षक देश की राष्ट्रपति हैं। हम सब के आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली नागरिक और ये सब हम सब के लिए गौरव, इसलिए झारखंड वासियों का कि हमारे यहाँ डॉक्टर हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राज्यपाल रहे। आज ये गौरव पूरे आदिवासी समाज में 140 करोड़। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर राजधानी रांची के बिरसा चौक स्थित सबसे पहले पाहनों के द्वारा रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की गई। भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा को स्नान कराया गया, तत्पश्चात फूल माला पहनाई गई और पूरे विधि विधान के साथ पाहन राजा ने पूजा अर्चना की। मौके पर प्रार्थना की गई अपने धरती आबा की जयंती पर हर उम्र के लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। पारंपरिक वेशभूषा में
मांदर और नगाड़े के थाप पर नृत्य कर खुशी का इजहार किया गया। वहीं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। मौके पर बिरसा चौक, धरती आबा के प्रतिमा के समीप लगे पुराने झंडे को बदलकर नया सरना झंडा को लगाया गया। झंडा गड़ी की गई और धरती आबा को याद किया गया। कैमरे के नज़र से देखें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती की झलक। किस तरह से पाहन राजा व अन्य लोग बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और आज उनकी वीरगाथा को याद कर रहे हैं, उनके उस उलगुलान को याद कर रहे हैं, अपने महानायक के बलिदान को याद कर रहे हैं। बुधवा मुंडा पढ़ा राजा झारखंडीय छात्र पढ़ा राजा। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर क्या कुछ आपने किया, क्या संदेश देंगे? आज जो है बिरसा मुंडा आस्ती पर हम लोग जो है जब तक चांद और सूरज रहेगा तब तक मेरा बिरसा मुंडा को हमेशा के लिए याद करेंगे। झारखंड का जितना भी मूलवासी आदिवासी है ये अमर रहेगा इसका लेकर के, और उसका बाद जो है इसी का लेकर के आज धरती और पेड़ पौधा पहाड़ जितना भी प्रकृति पराम चीज है वो बचा कर रखा है, उसका हम लोग सैंपलिंग आज ले लिया है कि बिरसा मुंडा अमर रहेगा। हम लोग जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है हम लोग इसको अमर लेकर के सूरज चांद लेकर के बिरसा भगवान का लेकर के पूरा झारखंड का आदिवासी हम लोग एक रहेंगे, एक रहेंगे। Yeah.